अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, वेलकम बैक टू साहिल फॉर यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज इस वीडियो में बताऊंगा कि आप सैमसंग कस्टमर केयर से आप कैसे बात करोगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास सैमसंग का कोई भी ब्रांड है, मान लीजिए आपको सैमसंग का टीवी है, फ्रिज है, या आप सैमसंग का मोबाइल यूज़ कर रहे हो, सैमसंग का ईयरफोन है, जो भी आपके पास ब्रांड है, आप कैसे कस्टमर केयर से बात करके आपका जो भी प्रॉब्लम है आप कैसे सॉल्व करोगे, और आपको सैमसंग कस्टमर का नंबर कहाँ से मिलेगा, यही मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा कैसे कॉल करना है। और वीडियो एंडिंग तक बने रहिए क्योंकि बहुत ही कमाल का वीडियो होने वाला है। क्योंकि ये वीडियो मिस कर दोगे तो आपका जो भी परेशान है सैमसंग के बारे में तो आप सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि सैमसंग कस्टमर नंबर कहाँ से लेना है। मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा सैमसंग कस्टमर केयर से आप कैसे बात करना है, नंबर कहाँ से लेना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह दो ही रिक्वेस्ट है, यहाँ पे देख सकते हो मेरे वीडियो के नीचे लाइक, जो लाइक का बटन आ रहा है, तो इस खुशी में तो एक लाइक जरूर बनता है। तो आप हमारे चैनल पे नए हो तो यहाँ पे जो लास्ट सब्सक्राइब का बटन देख रहे हो यहाँ पे क्लिक कर देना है, और साथ में जो घंटी है घंटी में आपको ऑल में दबा के रखना है, और नीचे आना है पब्लिक कमेंट पे। आने के बाद यहाँ पे आपके जो भी मन में डाउट है, आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज यहाँ पे जरूर एक कमेंट करके बताना है। तो चलिए बिना रुके वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ आपको कैसे नंबर कहाँ से लेना है। तो नंबर के लिए तो आप मान लीजिए आपके जो सैमसंग टीवी है या मोबाइल है, आपको रिपेयर सेंटर भी पता नहीं है सैमसंग रिपेयर सेंटर, तो आप डायरेक्ट कस्टमर केयर से बात करके आपके घर के आसपास जो भी रिपेयर सेंटर है ये भी पूछ सकते हो, जरूर हेल्प करेगा। तो आपको नंबर लेने के लिए सबसे पहले आपके मोबाइल में आ जाना है फ्रंट में। तो आने के बाद यहाँ पे आपको कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले गूगल ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं सैमसंग लिखता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो सैमसंग कस्टमर केयर नंबर। तो यही आपको क्या करना है, सैमसंग कस्टमर नंबर पे आपको सर्च करना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद इसी तरह का इंटरफेस खुल के आ जाता है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एक नंबर मिल जाएगा, और सैमसंग का यहाँ पे देख सकते हो लोगो भी दिखा रहा है। तो यहाँ पे यही है 1800407267864। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना और सही देखा, यही है कस्टमर केयर का, सैमसंग कस्टमर सर्विस का नंबर। तो आपको कॉल कैसा करना है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव प्रूफ के साथ। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, नंबर पे आपको टच कर देना है, और अपने आप ही आपके कॉल के लिस्ट पे चला जाएगा। तो यहाँ से आपको एक गलती कर देते हो, हर बंदा यहाँ पे एक गलती कर देता है, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे एक गलती मत करना। जो +1 +91 का ऑप्शन दिख रहे हो, +91 सबसे पहले यहाँ पे आपको डिलीट कर लेना है, नहीं तो यहाँ पे कॉल नहीं लगेगा आपका। जो +91 यहाँ पे आपको डायरेक्ट कॉल करोगे तो कॉल नहीं लगेगा, सबसे पहले आपको +91 का डिलीट कर लेना है। तो अभी मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ, कॉल करने के बाद यहाँ पे सॉरी गाइस, मेरे मोबाइल में अभी बैलेंस नहीं है, मुझे पता नहीं था, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या बोलता है फोन करने के बाद। तो फोन करोगे तो बोलेगा कि हिंदी में बात करने के लिए 1 दबाए, इंग्लिश में बात करने के लिए 2 दबाओ, आप जो भी लैंग्वेज से बात करना चाहते हो आपको एक नंबर सिलेक्ट कर लेना है, और एंडिंग में बोलेगा कि हमारे कस्टमर सर्विस सैमसंग कस्टमर सर्विस से बात करने के लिए 9 या 8 दबाए। तो आपको एक नंबर दबा देना है, तुरंत कॉल लग जाएगा, और आपके जो भी परेशान में आप सैमसंग के भूग रहे हैं तो आप यहाँ से आसानी से यहाँ पे आपका जो भी परेशान है आप सॉल्व कर पाओगे। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो देखने के बाद बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा। तो वीडियो अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।